दस्त के उपचार के लिए घरेलू नुस्खे, होम रेमेडीज फॉर लूज मोशन। लूज मोशन या दस्त शरीर को कमजोर बना देते हैं, इससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, इस कारण व्यक्ति को कमजोरी महसूस होती है। दस्त की शिकायत कई कारणों से हो सकती है, जैसे बासी खाना खाने, किसी खाने से एलर्जी होने, किसी तरह का तनाव होने, दूषित पानी या खाना खाने, शराब तथा ज्यादा पीने से, या कभी कभी कुछ दवाइयों के सेवन से भी। आइए हम आपको बताते हैं कि घरेलू नुस्खों की सहायता से किस तरह से आप लूज मोशन की समस्या से राहत पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नेचुरल नुस्खे में, जिसमें हम आपको कुदरत के अनमोल फल, फूल, सब्जियों और आपको स्वस्थ करने वाले अनेक गुणों से आपको रूबरू कराते हैं, जो जानकारी आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हमेशा हमसे जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बगैर समय गवाए आइए शुरू करते हैं। दस्त के उपचार के लिए घरेलू नुस्खे, होम रेमेडीज फॉर लूज मोशन। सरसों के बीज, मस्टर्ड सीड्स। सरसों के बीज लूज मोशन रोकने में कारगर होते हैं। उपचार के लिए थोड़े से पानी में सरसों के बीज डालकर एक घंटे के लिए रख दें। इसके बाद इस पानी को टॉनिक की तरह पिएं। लूज मोशन से राहत मिलेगी। लेमनेड, नींबू पानी। नींबू का रस पेट साफ करने में सहायक है। उपचार के लिए एक गिलास पानी में थोड़ी चीनी, थोड़ा नमक और एक नींबू का रस मिलाकर पिएं। इससे शरीर में पानी की कमी नहीं होगी और लूज मोशन भी रुक जाएंगे। अनार, पोमेग्रेनेट। लूज मोशन के उपचार के लिए अनार को चबाकर खाएं। यदि दाने चबाना पसंद न हो तो अनार का ताजा रस निकालकर भी पिया जा सकता है, इससे भी दस्त रुक जाते हैं। मेथी, फेनुग्रीक सीड्स। मेथी जीवाणुरोधी होती है, जो कि लूज मोशन रोकने में सहायक है। उपचार के लिए एक से दो चम्मच मेथी के दाने लेकर इनका पाउडर बना लें। इस पाउडर को एक गिलास पानी में डालकर पिएं। साबूदाना, सागो। साबूदाना पेट दर्द के साथ ही पाचन शक्ति को बढ़ावा देकर लूज मोशन रोकने में सहायता करता है। उपचार के लिए 3 से 4 घंटों के लिए साबूदाना को पानी में भिगो दें। इसके बाद इस पानी को दिन भर में 4 से 5 बार पिएं। दूध को कहें ना, नो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट। जब तक आप लूज मोशन से परेशान हैं, दूध या दूध से बने पदार्थों का सेवन न करें। आपकी आंत, इंटेस्टाइन दूध या दूध से बने पदार्थों को पचा नहीं पाएगी, नतीजा समस्या और भी बढ़ सकती है। कच्चा पपीता, रॉ पपाया। कच्चा पपीता लूज मोशन से राहत देता है, साथ ही पेट की मरोड़ और पेट दर्द से भी निजात दिलाता है। उपचार के लिए पपीते को कद्दूकस करके 3 कप पानी में डालें। इस पानी को लगभग 10 मिनट तक उबालें। यही पानी आपको दिन में 3 से 4 बार पीना है। ऐसा करने से दस्त रुक जाएंगे। सौंठ, ड्राई जिंजर पाउडर। अदरक का पाउडर या सौंठ पाचन शक्ति को बढ़ाता है और पेट दर्द से राहत देता है। उपचार के लिए 1 कप छाछ में आधी चम्मच सौंठ मिलाएं और दिन में कम से कम 3 से 4 बार पिएं। लौकी का रस, बॉटल गार्ड जूस। लौकी का रस शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता, इसलिए लूज मोशन से पीड़ित व्यक्ति को लौकी का रस देना फायदेमंद होता है। उपचार के लिए एक ताजा लौकी को छीलकर धोकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और मिक्सी में डालकर पीस लें। इसके बाद इसे छानकर रस को किसी बर्तन में निकाल लें। लौकी के जूस को स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें काली मिर्च और काला नमक मिलाया जा सकता है। स्टार्च युक्त खाना, स्टार्च रिच फूड। लूज मोशन से परेशान है तो स्टार्च युक्त खाना खाएं। यह खाना आसानी से पच जाता है और पेट में भारी नहीं लगता। स्टार्च युक्त खाने में गीला सफेद चावल, उबले आलू और गाजर आदि खाई जा सकती है। चाय पत्ती, टी। लूज मोशन से तुरंत राहत पाना चाहते हैं तो चाय पत्ती को पीसकर 1 चम्मच चाय पत्ती को खाकर पानी पिएं। इससे लूज मोशन रुक जाएंगे। नवजात इन्फेंट और छोटे बच्चों को चाय पत्ती को पानी में घोलकर वह पानी 1 या 2 चम्मच करके पिलाया जा सकता है, इससे भी दस्त रुक जाएंगे। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नेचुरल नुस्खे को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट हेल्थ केयर फिटनेस टिप्स से जुड़े वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।